बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं, मैं आज एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। मैंने जितने सिंसियर बच्चे देखे हैं वो इजी क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं, और अच्छे क्वेश्चन। मैं आपको एक छोटा सा डेटा दे रहा हूँ, डेटा डेटा सुनोगे बेटा, डेटा सुनोगे बेटा, सारे सुनना, सारे सुनना, सारे सुनना। इस डेटा को एक और तरीके से मैं एक वीडियो में बनाकर डालूंगा, लेकिन फिलहाल डेटा सुनो। 2014 आईआईटी मेंस, आईआईटी मेंस पेपर हुआ था 360, 360 ठीक है, और एक ही बैच से, सिंगल बैच, एक ही बैच का डेटा दे रहा हूं, सिंगल बैच जो टॉप बैच होता है उसमें 9 स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, 9 स्टूडेंट्स 330 या उससे ज्यादा मार्क्स लेकर बैठे, 9 स्टूडेंट्स 330 या उससे ज्यादा मार्क्स लेकर बैठे। ध्यान से सुनना, है ना मजेदार बात। अब सुनना, अब सुनना, उसमें जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे वो 348, 345, ऐसे 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 ऐसे, नौ नौ बच्चे, नौ बच्चे, नौ बच्चे, नौ बच्चे, नौ बच्चे। आखिरी वाला कौन था, 330 ठीक है, और ये वाला बच्चा कौन था, ये वाला बच्चा 334, चित्रांग मुर्दिया, चित्रांग मुर्दिया। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप। और यू वोंट बिलीव, जब ये आया 8वें नंबर पे ना, एट्थ, एट्थ आया ना बैच में, तो हमें एज ए टीचर बहुत मजा आया, वी वर हैप्पी, हैप्पीएस्ट। आप नहीं समझोगे क्यों, क्योंकि एक कहावत है सलमान खान की, मुझे मूवीज बहुत अच्छी नहीं लगती, बट एक मूवी उसकी आई थी किक, देखिए आपने, किक, किक मूवी आई थी, अगर सही टाइम पे आपको सही लात पड़ जाए ना, तो मेरे भाई बहुत मजेदार चीज होती, और ये थी उसके लिए किक। जब वो मिला तो हमने बेटा, हमने बोला, पहले तो हमने कहा वेरी गुड, अच्छे नंबर है, फिर मैंने धीरे से भी बोला, मैंने बेटा हीरो बहुत बनता था, 8वें नंबर पे पड़ा है, फोटो देख के भी 8वें नंबर पे छपे। देन व्हाट ही सेड कि सर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा एडवांस के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा एडवांस के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। 360 में उसके एडवांस में मार्क्स आए 333, एंड ही वॉज AIR 1, आपको सबको पता है। और सेकेंड रैंक जिसकी भी आई थी AIR सेकेंड, उसके नंबर थे 322, गैप 11 नंबर का है, क्लियर कट 11 नंबर। सेकेंड रैंक जिसकी भी आई थी AIR सेकेंड, उसके नंबर थे 322, गैप 11 नंबर का है, क्लियर कट 11 नंबर। और सुन, थर्ड थर्ड रैंक भी उस साल चित्रांग के बैच, हमारे बैच से ही आई थी, वो था गोविंद लाहौटी, और उसके भी मार्क्स थे 320, उसके भी मार्क्स थे 320, उसके केमिस्ट्री में ज्यादा थे और ये सेकंड वाले के मैथ्स में ज्यादा रहे, इक्वल मार्क्स। और जिसकी AIR 8 आई थी उसी साल उसी बैच से, अमय गुप्ता, उसके 315 मार्क्स थे। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप। इजी इजी सेगमेंट में कई बार पता है क्यों गलती होती, हम वहां कैजुअल हो जाते हैं, वहां कैजुअल हो जाते हैं। समझ में आया या नहीं, इसलिए अगर चीजें आपको समझ में आ रही बन रही है, तो इजी और टफ दोनों क्वेश्चन को एक जैसा सम्मान दीजिए। जब आप दोनों क्वेश्चन को एक जैसा सम्मान देंगे, तो मेरे भाई आपको भी एक सम्मानित रैंक और रिजल्ट मिलेगा। याद रखिएगा, IIT के पेपर में 75% ईजी ही होता है, याद रखना, IIT के पेपर में 75% इजी होता है। टफ तुम कर नहीं पाते, इजी में तुम रायता फैला देते हो, और फिर नंबर जो छोड़ो भाई साहब, फिर मामला गड़बड़ हो। 348 वाला 150, 100 और 150 के बीच में था, 100 एंड 150 के बीच में था, 100 एंड 150 के बीच में था। 345 वाले की 27 रैंक, 345 वाले की 27 रैंक। कुशल बाबेल, कुशल बाबेल उदयपुर का बच्चा था,
27 नहीं। आओ मुद्दे पर, मुद्दे पर।